अवघ्या काही दिवसांच्या डहाणूतल्या आदिवासी पाड्यातल्या तान्हुल्यावर नेमके काय उपचार केले जाणार आहेत याची माहिती वाडिया हॉस्पिटलच्या बालरोगतज्ञ डॉक्टर हरविंदर यांच्याकडून जाणून घेतली आमचे प्रतिनिधी कृष्णात पाटील यांनी. वाड्यामध्ये बाळाला आणल्यानंतर आता त्याची जी परिस्थिती आहे ती स्टेबल आहे. त्याच्यावर पुढे काय काय उपचार केले जाणार आहेत आणि हा जो विचित्र आजार आहे तो कशामुळे झालेला हे जाणण्यासाठी आपल्यासोबत डॉक्टर हरविंदर आहेत. मॅडम, किस तरह से इसको क्या क्या लक्षण दिखाई दे रही है और ये किस तरह का आजार है? जी, इन्हें हम सिंड्रोमिक बेबीज़ कहते हैं, जो कि बच्चे में अलग अलग तरह के एबनॉर्मल फीचर्स होते हैं. अगर 4 या 5 से ज़्यादा हों तो वो एक सिंड्रोम के अंदर फिट होते हैं. अभी ऊपर से देखने बच्चे को 4-5 एबनॉर्मल फीचर्स हैं, जैसे उसका साइज़ छोटा है, उसका हेड का साइज़ छोटा है, उसके ईयर्स फॉर्म नहीं हुए हैं, एब्सेंस ऑफ हेयर है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हेयर, ना बाल सिर पे हैं, ना आई लैशेज हैं, ना आईब्राउज हैं, देर इज़ नो ईयर फॉर्मेशन जैसे आप पिक्चर्स में देखेंगे. तो ये 3-4 हमें फेशियल फीचर्स एबनॉर्मलिटी मिल रही है. देन वी विल हैव टू वर्क हिम अप फॉर हिज कार्डियक डिफेक्ट्स, अंडरलाइंग किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम. अगर ये सब मिला के दे पॉइंट टू अ सिंड्रोम, देन वी लुक एट द लिटरेचर एंड सी अराउंड 3 or 4 डिफरेंशियल्स विच द बेबी इज लाइकली टू हैव. एंड फिर उसके बाद उसका वर्कअप होता है कि इनके लिए हमें कौन कौन से टेस्ट चाहिए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आँखों की जाँच. कई बार हम पूरा बॉडी का एक्सरे करते हैं, वो हमें करा रहे हैं, जिसमें कि उसको हम बेबी ग्राम कहते हैं, ताकि उसमें बोन्स का भी एबनॉर्मलिटी हमको दिख जाता है. और जब ये सब हमको, और फिर हम एक म्यूटेशन स्टडी कराते हैं, क्योंकि ये मोस्टली क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है. क्योंकि हिस्ट्री वाइज एक इनके फादर को, दे हैव वन पेरेंट्स हैव वन नॉर्मल चाइल्ड फीमेल हु इज 3 years old, ये सेकेंड बेबी है. सो देर इज़ नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल दिस थिंग, बट स्टिल वी वॉन्ट टू नो कि देयर वाज एनी पास्ट हिस्ट्री. सो वी डू अ जेनेटिक टेस्ट. जेनेटिक टेस्ट इज एबनॉर्मल, देन वी कैन प्रोग्नोस्टिकेट कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा बच्चे होने के कितने चांसेज हैं. और फिर हम मदर को अंडर ऑब्जर्वेशन रख के उसको टेस्ट करके बता देते हैं कि बच्चा जो अंदर पल रहा है वो नॉर्मल है कि नहीं. That's about the condition. At the moment, baby is stable. We have just fed him. He is maintaining temperature. Sugar is all right. His blood pressure is good. And only matter of concern is that baby is very low birth weight. And low birth weight babies are prone to so many problems like infection, like low blood pressure. They become cold very fast. So we have to take care of all that. तो इसके जो टेस्ट किए जाएंगे उसका रिजल्ट कब आएगा, किस तरह से समझ में आएगा? जी, वीकेंड है, मंडे को ही टेस्ट जा पाएंगे. हमारे जो यहाँ के इन हाउस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक अपने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो सब तो मंडे को देख लेंगे. लेकिन जो ब्लड टेस्ट जाएगा, यूजुअली कैरोटाइपिंग जो हम कराते हैं उसमें 10 से 15 डेज का टाइम लगता है, तब जाके हमारा फाइनल डायग्नोसिस होगा. इतना टाइम बचाएंगे. ऐसे बच्चे क्यों पैदा होते हैं, मतलब किस क्या कमी रही जाती है कि ऐसे बच्चे आ जाते हैं? जी, मोस्टली ये बच्चे अनुवांशिक बीमारियाँ, यानी हम कहते हैं कि जो कि जीन एबनॉर्मलिटी के कारण होती हैं. वो जीन एबनॉर्मलिटी क्यों होती है, ये या तो इनहेरिटेड है कि फैमिली में चलता है कि किसी को कहीं था और वो कहीं से आया है, प्रीवियस सिबलिंग से या प्रीवियस ग्रैंड पेरेंट से, या फिर एक डीनोवो म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक म्यूटेशन हुआ जब जीन सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वो नहीं हो पाए तो एक को ज़्यादा सेल मिल गए, एक को कम मिल गए. तो इस तरह से पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर हिस्ट्री हो तो थोड़ा सा मदद मिलती है कि शायद ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम है. वीडियो जर्नलिस्ट दीपक केदार सह कृष्णा पाटील, जी मीडिया, मुंबई. जी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.